हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्त, यहाँ पे देखिए, एक आज न्यू वीडियो लेकर हम आए हैं। यहाँ से क्वेश्चन कर रहा था कि नदियों जो अरब सागर में गिरती है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि पहले आप मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, और ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना होगा कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि न्यू वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, आज का वीडियो मेरा है नदियां जो अरब सागर में गिरती है, मतलब कौन कौन सी नदी जो है ना अरब सागर में। पहले तो यहाँ पे देख लिया जाए मैप, ये भारत का मैप है, इसका ऊपर वाला कोई काम नहीं था, नीचे वाला से काम है। मान लेते हैं कि ये मैप आप अगर आप देखते हैं तो ये बताइए कि दाहिने साइड कौन सा होता है, बंगाल की खाड़ी, माने बे ओ बंगाल, बंगाल की खाड़ी होता है। यहाँ से अब लेफ्ट साइड आते हैं तो ये यहाँ पे कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, इसी तरह से आता है ना, तो ये वाला साइड को क्या कहते हैं, ये जितना भी यहाँ पे है ना, ये कौन सा सागर है, अरब सागर। इधर कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। तो आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे, बंगाल की अरब सागर, ठीक है। तो देखिए, अरब सागर में कौन कौन सी नदी, मान लेते हैं कि यहाँ से जो नदी गिरती है अरब सागर में, यही ना बताना है, यही पढ़ना है। दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका बाद, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला, लेकिन आज इसको पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन कर रहा था कि नदियों जो अरब सागर में गिरती है, मतलब कि भारत से होकर अरब सागर में गिरती है, तो यहाँ से ट्रिक निकल कर आ रहा है, सालून गिमा भानमती सोजा, कह रहा है कि यहाँ से ट्रिक निकल कर आ रहा है, सालून गिमा भानमती सोजा। तो यहाँ से देखिए, सालून में सा का, इसका तात्पर्य क्या हो रहा है, साबरमती। कहने का मतलब कि साबरमती जो है ना गुजरात की नदी है, जो कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में। गुजरात यहाँ पे है ना, गुजरात से निकलकर और साबरमती कहाँ गिरती है, अरब सागर में। अब चलिए, यहाँ से लू से क्या होता है, लूनी निकलकर और कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में गिरती है। अब चलिए, यहाँ से लूनी हो गया, अब यहाँ से चलेंगे कि क्या का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। अब चलेंगे माँ को उठाकर, तो माँ से क्या होता है, मांडवी, और माँ से क्या होता है, माही। माँ से दो नदी, एक मांडवी एक माही, जो भारत से निकलती है और कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। अब चलिए, यहाँ से भा का अर्थ क्या हो रहा है, तो भारत पुंजा, पूजा, यहाँ से भारत क्या चीज, पूजा, ठीक है। भारत पूजा एक नदी है जो भारत के एक छोर से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ना का अर्थ इसमें, ना का अर्थ इसमें क्या हो रहा है, तो नर्मदा, ठीक है। नर्मदा भी नदी है जो भारत से किस ओर गिरती है, तो अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है। अब चलते यहां से, सो मती, मती यहाँ पे है ना, यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गया। अब चलेंगे सो, सो का अर्थ यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सोम, सोम एक नदी भी है जो यहाँ पे आकर अरब सागर में गिरती है। तो कहने का मतलब कि फिर एक जो, जा बचा होगा, जा से का अर्थ हो रहा है जाखम, जाखम भी एक नदी है जो अरब सागर में गिरती है। कहने का मतलब कि देखिए, जाखम कोई इम्पोर्टेंट नदी नहीं है, यहाँ पे सोम भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भारत पूजा भी इम्पोर्टेंट नदी नहीं है। कहने का मतलब कि इम्पोर्टेंट नदी साबरमती को ध्यान दीजिए, लूनी नदी को ध्यान दीजिए, माही नदी को ध्यान दीजिए, और यहाँ से नर्मदा नदी को, चार नदी को ध्यान दीजिए कि कहाँ कहाँ गिरती है। तो यहाँ से साबरमती अरब सागर में गिरती है, लूनी नदी अरब सागर में गिरती है, और मांडवी नदी और माही नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में, और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। तो कहने का मतलब कि ये इतना नदी को ध्यान में केयर नहीं करना है, बस चार नदी पांच नदी को केयर करना है, जिस पे टिक लगाए हैं। अब जानिए कि बंगाल की खाड़ी इधर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी इधर है, अरब सागर इधर है। और नीचे देखिए ना, जैसे ही ठीक नीचे जाइएगा भारत के एंड में, दक्षिण पॉइंट पे, दक्षिण में पूरा लास्ट में, तो इसके ठीक नीचे हिंद महासागर है, और उसके नीचे क्या है, श्रीलंका।